हिमाचल जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, वहीं हिमाचल के माथे पर नशे की उपज का बदनुमा दाग भी लगा हुआ है। इसी नशे के कारण हो रही बदनामी और लोगों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इस बार पंचायती राज चुनावों में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। पंचायती राज चुनावों में इस बार उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें वे अपने उस संकल्प का उल्लेख करेगा जिसके तहत न तो वो कभी अपनी जमीन पर नशे की खेती करेगा और न ही किसी को करने देगा। दरअसल हिमाचल में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार और बड़ी संख्या में युवाओं की इसकी गिरफ्त में आने पर राजनेता और राज्यपाल पहले ही चिंता जाहिर कर चुके हैं और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात कह चुके हैं। इसी नशा मुक्ति की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश के निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव में सभी उम्मीदवारों से इस तरह का शपथ पत्र भरवा रहा है। जो नामांकन पत्र है उसमें कैंडिडेट को ये डिक्लेरेशन देना होगा कि ना तो वो किसी तरह के नशा का सेवन करेगा और ना ही जो नशा है जैसे अफीम है, बांग है, उसके खेती को अपने पंचायत या अपने जिला परिषद या BDC के क्षेत्र में उसे होने नहीं देगा। प्रदेश सरकार का ये कदम वाकई एक सराहनीय पहल कही जा सकती है, लेकिन इस मुहिम का असर किस हद तक होता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विशाल द्विवेदी। विशाल, यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इस शपथ पत्र को भरने के बाद। रीना, हम जैसे अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि राज्यपाल हिमाचल और मुख्यमंत्री हिमाचल, उन दोनों ने अधिकारियों के साथ भी जब बैठक करी तब भी उन्होंने ये हिमाचल में बढ़ते हुए नशे को लेके अपनी चिंता जताई थी। उसके बावजूद और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब अपने भाषणों में भी इस चीज का उल्लेख किया था और अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो एक प्लेज लेंगे, वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि ना वो इन जो प्रतिबंधित नशा है जैसे भांग हो गया या अफीम हो गई या किसी और प्रकार के जो नशा है उससे वो खुद भी बचेंगे और ना ही अपनी जो उनकी संपत्ति है या उनके परिवार की जो संपत्ति है उसमें इस नशे को उगाने की इजाजत नहीं दी जाए। ये जो शपथ पत्र है, ध्यान योग्य है, ये जो शपथ पत्र है ये एक कानूनी शपथ पत्र माना जाता है क्योंकि जब इलेक्शंस के टाइम में जो भी डिक्लेरेशन होती है वो कानून के तहत बाध्य होती है और उनको सही माना जाता है और अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की कोताही देखी जाए, गलती पाई जाए तो उसके जो जिसने ये डिक्लेरेशन दी होती है उसके अगेंस्ट एक कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो विशाल ये जरूर साफ है कि ये एक कदम है नशा मुक्त बनाने की तरफ और ये एक शुरुआत अच्छी भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए।